नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी विनी की कैंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है भाजपा ही संवारेगी। वसुंधरा ने गहलोत के फ्री फंडे पर बोला हमला, समझाया योजना का गणित। हाईकोर्ट ने दुग्ध उत्पादन समिति को निलंबित करने के आदेश पर लगाया रोक। बयाना स्टेशन पर सुरक्षा दलों ने सराफा व्यापारी से जब्त किए 4.50 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवरात। हाईकोर्ट जज ने बरी हुए मंत्री की फिर से खोली फाइल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सूरजगढ़ जिले के दतिमा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिमा में भाजपा की संभाग स्तरीय सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद नहीं था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही संवारेगी। एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा था कि आपके बीच से निकली एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना है, लेकिन भाजपा ने आदिवासी हितों के लिए खजाना खोल दिया। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 501 आदिवासी मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का बच्चा भी जिस भाषा में पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। इस चुनावी दौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी जारी है। दोनों ही दल खुद को बेहतर बनाने और वोटरों को लुभाने की हर कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने भी राज्य सरकार पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार के फ्री फंडे पर हमला बोला है। वसुंधरा का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रही है, बल्कि जनता का पैसा जनता की ही एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल रही है और फिर फ्री बिजली का ढोल बजा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सरस डेयरी के उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है जिसके तहत नायला की ढाणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दूध का उत्पादन व वितरण करने से 3 माह के लिए रोक दिया गया था। और इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार और जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश नायला की ढाणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति दोसा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बयाना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रेन से उतरे एक सराफा कारोबारी से सोनो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में कारोबारी अपने पास मिले करीब 4.5 लाख कीमत के जेवरातों के बारे में जवाब नहीं दे पाया। पकड़ा गया युवक बयाना कस्बे के भीतरवाड़ी का रहने वाला मनोज कुमार वर्मा है, जो दाऊजी में रहकर सराफा का काम करता है, लेकिन उसके पास मिले जेवरातों के संबंध में कोई भी बिल एवं वाउचर नहीं मिले। इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा मंत्री के पोन मोदी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के पुराने मामले को दोबारा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के जज की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि शुक्र है कि आपके जैसे जज भी हैं। शीर्ष न्यायालय ने जज की तरफ से दाखिल कारणों को सही माना और मंत्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल उच्च न्यायालय के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें मंत्री पोन मोदी और उनकी पत्नी के मामले को ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने और बाद में उनके बरी होने के मुद्दे को उठाया गया था और अब मंत्री ने याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजस्थान में चुनाव का रण सज चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब चुनाव प्रचार परवान पर है। इन प्रत्याशियों के प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों ने 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इन सूचियों में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें कई नेता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य प्रत्याशियों का ये नेता चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे? भाजपा ने सूची में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा के नाम है। ये चारों ही चुनाव मैदान में है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। शाह जनता के साथ सीधे जुड़ने में यकीन रखते हैं। हालांकि अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों के साथ जुड़ाव बनाना शुरू कर दिया है। अन्य नेताओं की तरह अमित शाह ने भी अब व्हाट्सएप चैनल पर अपना अकाउंट बनाया है। पीएम मोदी की तरह ही अमित शाह के भी सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है। शाह सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादातर इस्तेमाल जनता और कार्यकर्ताओं को संदेश देने में करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर उन्होंने अपनी पोतियों के संग तस्वीर शेयर की है, जिसे यूजर्स खूब लाइक कर रहे हैं। महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ती कीमत पर आटे की बिक्री शुरू करने का निर्णय किया है। यह आटा 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया है और अभी ज्यादातर ब्रांडेड आटे की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा है। इसमें भी अन्नपूर्णा ब्रांड आटे की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। आमजन भारत ब्रांड के आटे को केंद्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ के सभी फिजिकल और मोबाइल आउटलेट से खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों का इस्तेमाल करेगी। सरकार इसका विस्तार अन्य सहकारी खुदरा दुकानों तक करेगी। अगर आपने अभी तक फेस्टिवल सीजन पर घर जाने के लिए ट्रेन या फ्लाइट के लिए टिकट बुक नहीं किए हैं, तो अब आपको आसानी से फ्लाइट और ट्रेन के टिकट नहीं मिल पाएंगे। उदयपुर में बड़ी संख्या में लोग फेस्टिवल सीजन से पहले अपने घर जा रहे हैं और ऐसे में ज्यादातर सीट्स बुक हो चुकी है। जो टिकट बचे हैं उनकी कीमत ज्यादा चुकानी होगी और वही जिन रूट्स पर ज्यादा रश है वहां के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग पैसा बचाने के लिए ऑफर्स व डिस्काउंट देख रहे हैं। कुछ डायरेक्ट फ्लाइट की बजाय कनेक्टिंग या वन स्टॉप फ्लाइट बुक कराना भी पसंद कर रहे हैं। पाली में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर एक निजी बस से 540 किलो मावा और रसगुल्ला जब्त किया, जो बीकानेर से आया। मौके पर ही टीम ने सैंपल लेने की कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर इन्हें नष्ट कर मामला दर्ज कर टीम आगे की कार्रवाई करेगी। जिले में धड़ल्ले से साल भर मिलावटी मावा, घी और तेल बिकते रहते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और ऐसे कई मामले पुलिस ने भी पकड़े हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सिर्फ त्योहार पर ही अभियान चलाती है। बीकानेर विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित अन्य प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक राहुल जैन ने कहा कि फील्ड में एसएसटी एफएसटी की टीमें स्पष्ट तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, बिना रिप्लेसमेंट के कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी ना छोड़े। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आरओ के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाए। झुंझुनू रेलवे भर्ती बोर्ड ने बीएलडब्ल्यू के 374 पदों पर भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के आवेदन 25 नवंबर तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा के साथ आईटीआई तय की गई है। नॉन आईटीआई अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए। सामान्य वर्ग ओबीसी व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी का शुल्क 100 रुपए तथा एसटी व एससी के लिए निशुल्क है। जयपुर में जेसीटीएसएल के बेड़े में बसें नहीं होने की वजह से त्योहारी सीजन में यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। यात्रियों को रूट पर बसें नहीं मिल रही है और जो मिल रही है उनमें बैठने के लिए जगह नहीं है और वही बसों की कमी की वजह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और कैब कंपनियों की मौज हो गई है। आरटीओ की ओर से किराया निर्धारित होने के बाद भी मनमर्जी से बेरोक टोक किराया वसूला जा रहा है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी का 50 रुपए ले रहे थे और अब 100 रुपए तक वसूल रहे हैं और दूसरी तरफ 7 महीने पहले जेसीटीएसएल में 100 बसें कम हो गई है, जबकि यात्रियों की संख्या कम होने की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। झुंझुनू जिले के 17,000 बीएसएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं को ई केवाईसी करानी होगी। बिजनेस एरिया के महाप्रबंधक पवन खत्री ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से पुराने मोबाइल उपभोक्ताओं को ई केवाईसी करवाई जाएगी और इन उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल की सिम लेते समय पेपर फॉर्म भरकर जमा करवाया था। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ऐसे सभी बीएसएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं के फॉर्म को डिजिटल करने के लिए इन उपभोक्ताओं को एसएमएस और ओबीडी कॉल्स की सूचना दी गई है।
उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक ई केवाईसी करानी होगी। संबंधित उपभोक्ता अपनी एक आईडी के साथ नजदीकी बीएसएनएल अधिकृत रिटेलर या फ्रेंचाइजी की सेवा ले सकते हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना में भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में नगद राशि कब्जे में रखने, परिवहन करने व सही जवाब नहीं देने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि एक व्यक्ति के पास रुपए से भरा बैग होने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बैग खोलकर तलाशी ली तो उसमें 25 लाख रुपए मिले। मंगरो भीलवाड़ा निवासी युवक पूर्णा शंकर के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।